हार्ड स्कैन। दोस्तों कि आप भी अपने कंप्यूटर एफिलिएट पर आपकी हार्ड स्कैन में कोई भी डाटा को कॉपी करते हो तो स्लोली स्लोली कॉपी होता है, आपका हार्ड डिस्क स्लो काम करता है। बेसिकली कई सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि उनके लैपटॉप और कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो स्लो काम करती है, उसमें कोई भी फाइल को कॉपी करना चाहते तो काफ़ी स्लोली स्लोली कॉपी होता है और कई बार तो कॉपी होता नहीं है। और इस प्रॉब्लम को मैं खुद भी फेस करूँ, मेरे खुद के कंप्यूटर में एक नया हार्ड डिस्क मैंने लगा रखा है और उस हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा को कॉपी करता हूँ तो एकदम स्लोली स्लोली कॉपी होता है। वहीं अगर मैं अपने कंप्यूटर की SSD पर डाटा कॉपी करता हूँ तो फटाक से कॉपी हो जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क में जब मैं कॉपी करता हूँ फाइल को डालता हूँ तो एकदम स्लो काम करता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके भी कंप्यूटर लैपटॉप के हार्ड डिस्क में आ रही है तो आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ड डिस्क स्लो प्रॉब्लम की 100% वर्किंग सोल्यूशन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो स्लो काम कर रही है, आप अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं तो स्लो होता है, तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आती है ये क्यों आती है और कभी भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, सब चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर और लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क का स्लो प्रॉब्लम, इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जो सी ड्राइव है उसे खाली करना होगा। खाली करने का मेरा मतलब ये है, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी जो भी फाइल है ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है उसे डेस्कटॉप पर रख देते हैं डेस्कटॉप। और आपको भली भांति पता होना चाहिए कि जो डेस्कटॉप होता है वो सी ड्राइव के अंतर्गत ही आता है। आप डेस्कटॉप पर जो भी फाइल डालेंगे उसका जो भी लोड रहेगा वो लोड सीधा सी ड्राइव पर ही जाएगा और ऐसे में आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है पूरी तरह से स्लो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको सबसे पहले अपने सी ड्राइव को खाली करना होगा। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया कि आखिर सी ड्राइव फुल हो गया जिसे कैसे खाली करते हैं और सी ड्राइव आखिर फुल होता क्यों, सब चीज मैंने सुने में बताया है। आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जो सी ड्राइव उसे खाली करना होगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कभी भी आपको अपने सी ड्राइव को फुल नहीं होने देना है। जब आपका सी ड्राइव फुल होगा तो आपका कंप्यूटर आपका लैपटॉप स्लो काम करेगा, हार्ड डिस्क में डाटा एकदम स्लोली स्लोली कॉपी होगी। तो इस बात की आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जब कभी आप अपने हार्ड डिस्क एक पार्टीशन करते हैं तो जैसे मान के चलिए आपके कंप्यूटर पर 1 TB की हार्ड डिस्क लगी है, 1000 GB की हार्ड डिस्क लगा है, राइट है। तो जब आप उसके 4 पार्टीशन करते हैं तो जो भी आप डाटा रखते हैं उसको किसी एक ड्राइव पर ही मत रखना। कहने का मतलब है, मान के चलिए आपने अपने हार्ड डिस्क पर 4 पार्टीशन बनाया, 4 ड्राइव बनाया है ABCD, मान के चलो ठीक है आपने 4 ड्राइव बना लिया। अब आपके पास जो कोई भी डाटा, मान के आपके पास 100 GB की डाटा है, अब उस डाटा को कॉपी करना है तो किसी एक ड्राइव पर ही कॉपी मत करना, मतलब सारा लोड को एक साइड पे मत देना, सबको बांट देना सी में 10 GB, 20 में 30 GB, डी में 20 GB, इस तरीके उसको बांट देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। इससे आपका हार्ड डिस्क कभी भी स्लो नहीं होगा। एक साइड पे अगर लोड पड़ेगा तभी आपका हार्ड डिस्क स्लो काम करेगा दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज वो है पूरी पूरी रात कंप्यूटर फिर लैपटॉप को ऑन करके छोड़ देना। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर किसके साथ होती है, जो लोग स्टूडेंट है रात रात भर अपने लैपटॉप पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कंप्यूटर में पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन लोग के साथ अक्सर ये चीज होता है। करते क्या है, रात को पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर ऑन है और वहीं पर सो जाते हैं, उसका कंप्यूटर उसका लैपटॉप रात भर चालू रहता है। तो इस केस में सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क का स्लो प्रॉब्लम देखा गया है और मेरे साथ खुद भी इसी कारण से प्रॉब्लम आया था। एक दिन हुआ ये कि मैं रात को काम कर रहा था और अपने कंप्यूटर को बंद करना भूल गया, ऑफ करना भूल गया, शट डाउन करना भूल गया और पूरी रात मेरा कंप्यूटर ऑन था। नेक्स्ट डे से मेरा जो हार्ड डिस्क एकदम स्लो काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको इस बात की ध्यान रखनी है, जब आपका काम हो जाए तो अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए, स्लीप मोड में डाल दीजिए, उसके बाद आप उसे रख दीजिए। अगर आप रात रात भर अपने कंप्यूटर लैपटॉप को चालू करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो स्लो हो जाएगा, स्लो काम करेगा और ये प्रॉब्लम अक्सर देखा भी गया है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपका काम हो गया बंद कर दो, फिर आप चालू कर लीजिए, फिर जब आपका काम हो गया फिर बंद कर लीजिए। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन आप कंटिन्यू मतलब रात से लेकर पूरा सुबह तक अपने सिस्टम को ऑन रखेंगे तो ये हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम तो आना निश्चित ही है दोस्तों। लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के स्लो होने का मेन कारण यह भी है कि आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को जीवन में कभी भी डायरेक्ट पावर ऑफ
मत करना। हमेशा सिस्टम को कंप्यूटर लैपटॉप को शट डाउन करके ही बंद करना चाहिए। अब ऐसे हम कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ लाइट बंद बहुत होती है, लाइट बहुत कट होता है, ऐसे में हम क्या करें? तो भैया इसके लिए आप एक यूपीएस का यूज़ कर लीजिए, 1500-2000 में मिल जाती है, यूपीएस ले लीजिए, उसके जरिए आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को यूज़ कीजिए। इससे आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप को डायरेक्टली पावर ऑफ करोगे तो सबसे पहली चीज़ कि आपका हार्ड डिस्क स्लो हो जाएगा, उसके कुछ ही दिन बाद आपका हार्ड डिस्क खराब भी हो जाएगा। इसलिए कभी भी कंप्यूटर और लैपटॉप को डायरेक्टली पावर ऑफ नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली करने का मतलब यह है बटन दबा दिया बंद हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा शट डाउन करके ही बंद करना है। लाइट ज्यादा गोल होती है आपके यहाँ, लाइट ज्यादा गोल होती है बंद होती है तो आप यूपीएस की इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कभी भी अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप कंप्यूटर को डायरेक्टली पावर ऑफ मत कीजिए दोस्तों। थर्ड, और इसके वजह से हमारा हार्ड डिस्क ही नहीं पूरा कंप्यूटर भी स्लो हो जाता है, वो है एंटीवायरस। भैया आप अपने कंप्यूटर पर कोई अच्छी क्वालिटी की एंटीवायरस का इस्तेमाल करो, तभी आपका कंप्यूटर परफेक्ट तरीके से काम करेगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दिया है कि हमें अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस यूज करना चाहिए या नहीं, आपके ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, तो कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखो। अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं चलाते तो कोई दिक्कत नहीं, एंटीवायरस मत यूज करो। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के यूज करते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो आपको अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस जरूर से रखना चाहिए। क्यों पता है? नेट प्रोटेक्टर आपके कंप्यूटर को मालवेयर अटैक से बचाता है। जैसे आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर हमारे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मालवेयर डाउनलोड हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलता, जिसके चलते हमारे कंप्यूटर हैक तो हो सकता है, साथ ही साथ हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हार्ड डिस्क भी स्लो हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस रखना बहुत जरूरी है, और एंटीवायरस रखना ही नहीं है, आपको बीच बीच में स्कैन भी करते रहना है। इससे आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, आपके लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है, वो कभी भी स्लो नहीं होगा, और जो स्लो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो भी 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है तो आप एक काम और कर सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा, और वो कि आपके जो हार्ड डिस्क है, आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे जो हार्ड डिस्क लगी है जो एकदम स्लो काम कर रहा है, उसमें कि जितने भी डाटा, उस डाटा को आप दूसरे हार्ड डिस्क में कॉपी कर लीजिए। उसके बाद उस हार्ड डिस्क को पूरी तरह से एक बार फॉर्मेट कीजिए, क्लीन कीजिए। इससे भी आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, आपके लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है, उसमें जो स्लो प्रॉब्लम आ रही है, जो स्लोली स्लोली कॉपी होता है, डाटा कॉपी होता है स्लो, वो एकदम से ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क में वायरस भर जाता है, वायरस अटैक हो जाता है, मालवेयर अटैक हो जाता है, तो भी हार्ड डिस्क काफी जल्दी स्लो हो जाता है और एकदम स्लो काम करता है। तो ऐसे केस में आप अपने हार्ड डिस्क को पूरी तरह से फॉर्मेट कीजिए। फॉर्मेट करने के बाद एंटीवायरस आप उसको स्कैन कीजिए, एनपीवी स्कैन कहते हैं, स्कैन कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी है वो एकदम फास्ट काम करेगा। और हार्ड डिस्क को स्लो होने से बचाने का एक और तरीका है, वो है अनवांटेड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना। देखो होता क्या है, हमारे कंप्यूटर पर ऑलरेडी कई सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, ऐसे में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहते हैं, लेकिन अनइंस्टॉल नहीं करते। तो भैया आप अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में देखिए, जितने भी फालतू के एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो आपके काम के नहीं, उन सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो। इससे आपका पीसी क्लीन रहेगा, हार्ड डिस्क कभी भी स्लो नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों लैपटॉप और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के स्लो प्रॉब्लम की मैंने आपको सोल्यूशन तो बता दिया, अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम आती क्यों है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो देखो हार्ड डिस्क के स्लो होने का सबसे पहला रीजन ये है कि आप फुल नाइट, पूरी पूरी रात अपने कंप्यूटर लैपटॉप को चालू करके मत छोड़ना, पहला कारण यही है जिससे हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा स्लो हो जाता है। दूसरी कारण, कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट पावर ऑफ मत करना, हमेशा शॉट डाउन करके ही बंद करना, क्योंकि डायरेक्ट पावर ऑफ करने से एक तो आपका विंडो भी करप्ट हो सकता है, दूसरा हार्ड डिस्क भी खराब हो सकता है, तीसरा आपका हार्ड डिस्क स्लो हो जाएगा। और ये चीज होता ही है, मैंने कई बार इस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया और ये हमेशा होता ही है। तो आपको कभी भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप को डायरेक्टली पावर ऑफ नहीं करनी है। इसके अलावा हमेशा अपने कंप्यूटर पर अच्छी क्वालिटी के एंटीवायरस का इस्तेमाल करो, जिससे आपके कंप्यूटर पर मालवेयर अटैक से बचेगा, वायरस अटैक से बचेगा, जिससे आपका हार्ड डिस्क बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो इन्हीं सब ट्रिक को यूज करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की हार्ड डिस्क को स्लो होने से बचा सकते हैं, और मैंने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको बता ही दिया। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर भी देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिंह।